गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं द रेड ट्रिप, है ना, क्लास ट्वेल्थ का द रेड ट्रिप। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं सलमा लेगरलोप। सलमा लेगरलोप के बारे में मैं कुछ बता दूं कि सलमा लेगरलोप वाज़ ए स्वदेश राइटर हु आई स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, है ना। तो स्वदेश जो है ना, जो सलमा लेगरलोप है वो एक स्वीडिश लेखक हैं जिनकी कहानियाँ कई भाषाओं में अनुवाद की गई हैं। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। तो इनमें एक शाश्वत विषय होता है, आई बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेक्ड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो एक विश्वास है कि मनुष्य में निहित अच्छाई और अच्छाई को समझ बूझ एवं प्रेम से जागृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर द रेट किस प्रकार है स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ने का इसको प्रयास करते हैं, है ना। तो पैराग्राफ एक देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक बार की बात है, है ना, एक रेड ट्रैप, रेड ट्रैप मीन्स होता है जो चूहा पकड़ता है वो, है ना। एक समय एक आदमी था, है ना, जो छोटी छोटी तारों से बनी चूहेदानी बेचता हुआ घूमता फिरता था, ठीक है। ही मेट देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। इन्हें वह दुकानों तथा बड़े फार्मों से मांग कर लाई गई सामग्री से तैयार करता था, लेकिन फिर भी यह काम बहुत फायदे का नहीं था, इसलिए उसे भिक्षावृत्ति एवं छोटी मोटी चोरी का सहारा लेना पड़ता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेड, सो ही हैड रिजॉर्ट टू बाथ बैगिंग एंड अ प्रिटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड अ सॉल टूगेदर। इवन सो हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैक्स, हिज चीक्स वेयर संकन एंड हंगर ग्लैमर्ड इन हिज आइस। तो क्या हुआ, तो चोरी करता रहता था, है ना, ताकि वह स्वयं को जीवित रख सके। फिर भी उसके कपड़े चीचड़ों के रूप में थे, उसके गाल अंदर बैठे हुए थे तथा भूख उसकी आंखों में से झांकती थी। मतलब वो ना रेड टेप बेचता था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता था उससे, इसलिए वो भीख मांगने का भी काम करता था और कभी कभी चोरी चमारी भी कर लेता था, है ना। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगोबैंड हु प्लॉड अलॉन्ग द रोड। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना निराश एवं दुख भरा प्रतीत हो सकता है। लेफ्ट टू हिज वन मेडिटेशन बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him। जो सड़कों के किनारे थके हुए कदमों से प्रतीत रहता है, कदमों से चलता रहता है और अपने ही चिंतन में खोया रहता है, लेकिन एक दिन यह व्यक्ति एक ऐसी चिंतन धारा में पड़ गया जो वास्तव में मजेदार लगी। The whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set bats for people. तो क्या मजेदार लगा, कौन सी बात मजेदार लगी? स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसके चारों ओर की सारी दुनिया जिसमें इसकी जमीनें तथा समुद्र, इसके शहर एक गांव शामिल है, एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। यह दुनिया किसी और उद्देश्य के लिए नहीं थी सिवाय लोगों को ललचाने के लिए, चारा डालने के, है ना। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉय शेल्टर एंड फूड हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली अस रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पार्क एंड अस सुनास एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पेड
टू टच द बेड इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड। आगे क्या बोल रहा है, यह लोगों को धन दौलत एवं खुशियां, घर एवं भोजन, गर्माहट एवं कपड़े आदि प्रस्तुत करती थी, ठीक उसी तरह से जैसे चूहेदानी चूहों को चीज एवं सुअर के मांस प्रस्तुत करती है। और ज्यों ही कोई अपने आप को ललचाए जाने तथा फंसाए जाने के लिए ललचाए रखी गई सामग्री को छूने की इजाज़त देता था तो दुनिया रूपी चूहेदानी बंद हो जाती थी और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता था। द वर्ड हैड ऑफ कॉस नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे इन इट बिकम ए चेरिशेड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी, है ना, प्लॉटिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हू हैड लेट themselves be caught in the dangerous snare and of other who were stealing circling around the bed। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यह दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत दयालु नहीं रही थी, इसलिए इस तरह के बारे में बुरा सोचकर उसे अस्वाभाविक आनंद मिलता था। यह उसके लिए एक प्रिय मनोरंजन बन गया था। कई निराश थकाऊ पद यात्राओं के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक फंदे में फंसने दिया था, तथा अन्य लोगों के बारे में सोचना जो ललचाने वाले भोजन के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे थे। तो स्टूडेंट आपने देखा ये लेसन बहुत ही मज़ेदार है ना, तो मैं आपको जो इसके आगे का पैराग्राफ दो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।